प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने कलंक दिवस मनाया, काला फीता बांधकर किया विरोध। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने आज कलंक दिवस मनाया और काला फीता बांधकर चौकी चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव, तारा सिंह सोलंकी, चंद्रसेन सागर, मोहम्मद खालिद, बेचेलाल गवार, किशन लाल यादव, राजकुमार सिंह यादव, राहुल कश्यप, डॉक्टर रविन्द्र यादव, अशोक यादव, राजीव सिंह, इरशाद अहमद, प्रेम लाल यादव, शिवम मिश्रा, यासिर अंसारी आदि मौजूद रहे। मानवे को जो अयोध्या में ढांचा गिराया था, उस संदर्भ में हम लोग कलंक दिवस मना रहे हैं। संविधान के अनुसार चाहे गिरजाघर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, सबकी सरकार को सुरक्षा करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 6 दिसंबर को कलंक दिवस के रूप में मौन धारण किया और हम सब लोग इकट्ठा हुए। ये लोकतंत्र में बहुत ख़राब बात है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। धारण किए हैं 1992 6 दिसंबर को भारत के संविधान के साथ जो बलात्कार किया गया था, उसके विरोध में हम लोग यहाँ मौन धारण किए हैं। मंदिर मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे के अंदर बनना चाहिए। जिस तरीके से जो कोर्ट का फैसला हो उसे सबको मानना चाहिए, और मंदिर अगर मस्जिद कोर्ट कहता है बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनना चाहिए। क्या नाम है? तारा सिंह सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष। आज जो कलंक दिवस क्यों मना रहे हैं? 6 दिसंबर 1992 को हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा जो एक मस्जिद को गिराया गया, ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। लोकतंत्र में किसी के भी पूजा स्थल को, चाहे गिरजा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, इन सब की पूरी तरह से आस्था रहनी चाहिए। और हर जो धर्म के अनुसार जो अपनी अपनी पूजा और उपासना करते हैं, उनका किसी का भी लोकतंत्र में अपमान नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा अपमान किया और उससे संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कलंक दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है।